पीएम मोदी ने आज अपनी मां हीराबेन के जन्मदिन पर एक खास ब्लॉग लिखकर न सिर्फ अपनी भावनाएं जाहिर की हैं बल्कि कुछ पुरानी यादें भी साझा की हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन है। इस मौके पर न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने गुजरात के गांधीनगर स्थित उनके घर पहुंचे बल्कि उन्होंने खास तौर पर मां के लिए ब्लॉग भी लिखा। इस ब्लॉग में उन्होंने मां शब्द से जुड़ी तमाम भावनाओं को शब्दों में पिरोया और अपने जीवन से जुड़ी कई पुरानी यादें भी साझा की। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपनी मां की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। वह मां के चरणों में बैठकर उनसे बातें करते भी नजर आए। इससे पहले उनके घर में विशेष पूजा भी आयोजित हुई थी। अपने ब्लॉग में पीएम मोदी ने लिखा कि मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह शब्द जीवन की वह भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। आगे वह लिखते हैं कि आज मैं अपनी खुशी, अपने सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ हीराबेन आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते, यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है। उन्होंने यह भी शेयर किया कि उनके भतीजे ने गांधीनगर से उन्हें माँ के कुछ वीडियो भेजे थे। घर पर सोसाइटी के कुछ नौजवान लड़के आए, पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी, भजन कीर्तन हुआ और इसमें माँ ने भी मगन होकर भजन गाए। पीएम लिखते हैं कि माँ आज भी वैसी ही है, शरीर की ऊर्जा भले कम हो गई हो लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। वैसे हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा नहीं रही है लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उन्होंने पिताजी के जन्म शती वर्ष में इस बार 100 पेड़ लगाए हैं। पीएम मोदी ने माँ के जिंदगी से जुड़ी यादें साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि मेरी माँ का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्होंने मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नहीं नसीब हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव ही देखा। अपने ब्लॉग में पीएम मोदी ने ये भी लिखा कि शायद ईश्वर ने माँ के जीवन को इसी प्रकार से गढ़ने की सोची थी। आज उन परिस्थितियों के बारे में माँ सोचती है तो कहती है कि ये ईश्वर की ही इच्छा रही होगी, लेकिन अपनी माँ को खोने का, उनका चेहरा तक न देख पाने का दर्द उन्हें आज भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।